Hello everybody, you are watching Bihari Backbenchers and this is Supriya with the next video of science and the chapter is electricity and circuits. First of all, I would like to apologize for being quite late in uploading this lesson, but better late than never. So, start karte hain, abhi bahut garmiyan chal rahi hai. तो आजकल के टाइम में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं? ऑफ कोर्स आई थिंक फ्रिज, एसी, फैन, 5 मिनट भी अगर बंद हो जाए तो लाइफ इज इम्पॉसिबल. ये चलते कैसे हैं? हाउ डज दिस एसी, फ्रिज और फैन वर्क? इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. इसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है टू रन और टू वर्क? लास्ट ही वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस. तो वी सॉ रात के टाइम में व्हेन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वी नीड अ लाइट, तो वी यूज ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स इन आवर होम फॉर लाइटिंग पर्पस. और अगर हम कहीं बाहर होते हैं, अंधेरा होता है एंड वी कांट कैरी ट्यूब लाइट बल्ब एट दोज प्लेसेस, तो हमारे पास क्या होता है? दैट इज वी यूज फ्लैशलाइट ऑफ आवर फोन. और अर्लियर डेज में, अब थोड़ा कम यूज़ करते हैं लोग, लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टॉर्च. ऐसे केस में हम टॉर्च यूज़ करते हैं. सबके घर में टॉर्च आपको ज़रूर मिल जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना विद द फंक्शनिंग ऑफ दिस टॉर्च. क्या हमने अभी आपको बताया जैसे बल्ब को लाइट चाहिए, ट्यूब लाइट को, मतलब इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है टू रन या फिर वर्क करने के लिए? टॉर्च के अंदर भी बल्ब होता है विच लाइट्स अप. जब हम इस स्विच को स्लाइड करते हैं, यू कैन सी, तो ये लाइट अप, लाइट एन अप होता है. बट तो इसे क्या चाहिए, ये कैसे जलता है? डज दिस ऑल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी या ये किसी और कॉन्सेप्ट पे काम करता है? नाउ टॉर्च ऑल्सो रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, इसे भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. एंड इस छोटे से डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. पर लेट्स लर्न कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर रही है एंड हाउ इज इट वर्किंग. हम एक काम करते हैं, इस टॉर्च को खोलने की कोशिश करते हैं. इस टॉर्च पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है बल्ब. हम जैसे इस स्विच को स्लाइड करते हैं, दिस बल्ब ग्लोज और इसकी वजह से ही रोशनी होती है और हम कुछ भी देख पाते हैं. तो ये बल्ब है जो ग्लो करता है. सेकेंड, ये किस चीज़ की वजह से, इस ये बल्ब ग्लो कब करेगा? बहुत बार ऐसा होता है व्हेन यू स्विच इट ऑन स्टिल ये बल्ब ग्लो नहीं करता है. तो हम क्या करते हैं इस केस में, बैटरी, टॉर्च के अंदर बैटरी है, उसे चेंज करते हैं. दैट मीन्स बैटरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोइंग ऑफ दिस बल्ब. तो ये बैटरी, इसमें कैसा बैटरी होता है हम आपको दिखाते हैं. दिस इज बेसिकली अ ड्राई सेल, इसे हम ड्राई सेल कहते हैं. मोस्टली टॉर्चेस में ड्राई सेल यूज होता है. हम इस ड्राई सेल की फंक्शनिंग को भी पढ़ेंगे. ये ड्राई सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इस टॉर्च में है, ये स्विच. इसकी वजह से हम जब चाहें टॉर्च को स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं. तो लेट्स लुक अपॉन कि ये बैटरी काम कैसे करता है, क्या है इस बैटरी में. सिंपल, ये ड्राई सेल जो भी होगा, अगर आप उसे क्लोजली देखो, आपको एक प्लस सिंबल दिखता है और एक माइनस सिंबल दिखता है इफ़ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली. और इसका टेक्सचर, दो एंड्स होते हैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और जो बेस है, दोनों थोड़ा डिफरेंट टाइप का बेस होता है. एक बेस जो है वो बल्ज्ड आउट है, जिसे हम मेटालिक कैप कहते हैं. बल्ज आउट है, कैप के टाइप का होता है. कोई भी कैप जो होता है किसी भी चीज़ का, वो थोड़ा आउटसाइड होता है. तो ये मेटालिक कैप है. और दूसरा जो सरफेस है हमारा, वो थोड़ा अंदर की ओर है, बल्ज इन. इसे हम मेटालिक डिस्क कहते हैं. दैट इज निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो मेटालिक डिस्क के साइड है और पॉजिटिव टर्मिनल ये मेटालिक कैप के साइड होता है. और इस ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और वंस इसके अंदर जो केमिकल्स होती है वो पूरा कंज्यूम्ड अप हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है, तो फर्दर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है. एंड इन दैट केस वी नीड टू रिप्लेस द बैटरीज फॉर ग्लोइंग द टॉर्च. अपार्ट फ्रॉम दिस ड्राई सेल, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो टॉर्च का है वो बल्ब है, जो कि ग्लो करता है. इस टॉर्च के अंदर से बल्ब निकालना बहुत ईजी नहीं है, बट आपके पास अगर कोई ऐसा टॉर्च हो जिसके अंदर से आप बल्ब निकाल सकते हैं, तो आप प्लीज़ निकाल करके देखिए. उस बल्ब का जो टेक्सचर होता है, उसके अंदर जो नॉर्मल बेसिक से चीज़ें होती हैं, एक
फिलामेंट टाइप का इस तरह का वायर होता है, बिल्कुल पतला सा, जिसे हम टंगस्टन बोलते हैं, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ग्लास की। ये जो वायर होता है, ये टंगस्टन, इसका एक टर्मिनल यहाँ से निकला होता है और दूसरा यहाँ पर बल्ब का बेस होता है, वो यहाँ पे कनेक्टेड होता है बेस पे। तो हमें क्या करना है, और जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दैट इज इस टंगस्टन वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो ये टंगस्टन जो है, ये फिलामेंट जो है, ये ग्लो करता है, और ये इतना अच्छा ग्लो करता है कि ये अपने आसपास के एनवायरमेंट को लाइटन अप कर देता है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों टर्मिनल्स का। हमने देखा कि बैटरी में भी दो टर्मिनल है, एंड वी सी कि बल्ब में भी दो टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल का काम क्या है, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम आगे इस चीज़ को फर्दर डिस्कस करेंगे अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स सर्किट। तो जब सर्किट और पाथ हमारा कंप्लीट होता है और उस पाथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस केस में ही ये बल्ब ग्लो करेगी। तो हमें एक क्लोज्ड पाथ बनाना होता है जो कि इस टॉर्च में बना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए था सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है ड्राई सेल, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन उस सोर्स से यहाँ तक कैसे आती है, दैट हैज़ टू बी डन थ्रू दिस वायरिंग। यहाँ पर जो टर्मिनल है, जब हम बैटरी यूज़ करते हैं तो हमारा बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड होता है, पहला बैटरी, फिर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि इससे कनेक्टेड है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ दूसरा बैटरी होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट बैटरी, एंड सो ऑन, जितने भी बैटरीज लगने हैं टॉर्च में। उसके बाद हम देखेंगे इस टॉर्च को, जब इसमें से मैं सारी बैटरी निकालती हूँ, लुक एट इट क्लोजली, आपको दिखेगा यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप जा रहा है स्विच के सामने से, और नीचे में एक मेटालिक बेस है, वो स्ट्रिप पूरा कनेक्टेड है, वहाँ तक नीचे में बेस जा रहा है। तो ये जो मेटालिक बेस है, ये लास्ट बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इस मेटालिक बेस को टच करता है, फिर ये स्ट्रिप इधर की ओर जाता है, और ये स्ट्रिप जो है बाहर में आप यहाँ देख रहे हैं स्विच है, स्विच के पास कनेक्टेड है, ठीक है। स्विच का रोल ही ये होता है कि वो ऑन या ऑफ करता है, दैट मीन्स ये बल्ब ग्लो करता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और ये टर्मिनल भी स्विच से ऊपर से आकर के कनेक्ट होता है। तो ये बल्ब तभी ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होती है, दैट इज सर्किट कंप्लीट होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो स्विच का यही काम होता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है जब हम स्लाइड करते हैं और बल्ब ग्लो करता है, टॉर्च लाइटन अप होता है, और जैसे ही हम स्विच को डाउनवर्ड स्लाइड करते हैं, ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती और टॉर्च ग्लो नहीं करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी जानना है कि टॉर्च किन किन केसेस में नहीं ग्लो करेगा, और हमें क्या चेक करना है उस केस में ताकि टॉर्च ग्लो करे। इसके ग्लो नहीं करने के तीन इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे पहला जो बेसिक सा चीज़ है जो कि हमेशा ही होता है, वो होता है जब भी टॉर्च ग्लो करना बंद कर देती है तो हम क्या करते हैं, बैटरी रिप्लेस करते हैं, एंड वी फाइंड इट कि जब भी हम बैटरी रिप्लेस करते हैं, न्यू बैटरी की वजह से टॉर्च ग्लो करने लगती है। सो व्हाट मे बी द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे का रीज़न ये है कि बैटरी के अंदर, मैंने बताया था आपको, केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जब पाथ कंप्लीट होती है, सर्किट बनती है, तो वो केमिकल्स जो हैं वो यूज्ड अप होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो केमिकल्स पूरी तरीके से यूज्ड अप हो जाते हैं, इट कांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू रिप्लेस द टॉर्च, रिप्लेस द बैटरी। ये पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न, बहुत बार ऐसा होता है कि ये बल्ब जो है ये फ्यूज़ कर जाती है। आप सब ने फ्यूज़ टर्म ये बहुत बार सुना होगा, बट फ्यूजिंग ऑफ बल्ब, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, बल्ब फ्यूज होती है तो इस केस में सर्किट ब्रेक होता है, दैट मीन्स ये जो फिलामेंट है, टंगस्टन वायर, ये पतला सा टंगस्टन वायर ये ब्रेक कर जाता है जब बल्ब फ्यूज होती है। और आप क्लोजली बल्ब को देखें उस केस में, तो आप अच्छे से देख पाओगे कि ये कहीं टूटा होता है या मिसिंग हो जाता है, ये आपको नहीं दिखेगा टंगस्टन वायर उस केस में। जब आपको ये नहीं दिख रहा होता, ये टूट गया होता है, दैट मीन्स ये जो क्लोज्ड पाथ है, आप स्विच को ऑन भी करो तो ये पाथ कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अगर पाथ कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका रेमेडी ये है, यू नीड टू चेंज द बल्ब। और थर्ड रीज़न, जब बैटरी भी सही है आपकी, बल्ब भी सही है,
तो थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि ये जो सर्किट बन रही है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, देर मे बी अ ब्रेकेज इन द सर्किट समवेयर, ब्रेकेज हो सकता है इसके कनेक्शन में. तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजन्स जो हम नॉर्मली, ये तो टॉर्च के केस में है बट ये किसी भी केस में व्हेन यू आर ग्लोइंग कहीं भी बल्ब जल रही होती है तो ये बेसिक चीज़ें होती है. नीड टू चेक द सर्किट, यू नीड टू चेक द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यू नीड टू चेक द बल्ब. सो मूविंग ऑन, हम ड्राई सेल की फंक्शनैलिटी को आगे देखते हैं, वो किस तरीके से सर्किट बनाती है नॉर्मल किसी केस में और कब कब सर्किट बनती है, किस केस में बल्ब ग्लो करेगी और किस केस में नहीं कर पाएगी. ये एक नॉर्मल बैटरी है जो आपको इजीली नियर बाय शॉप से मिल जाएगा. इस बैटरी में हम देख रहे हैं दो टर्मिनल हैं, एक प्लस दैट्स पॉजिटिव टर्मिनल, उससे एक वायर कनेक्टेड है, रेड वाली वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी से, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है और उससे ब्लैक वायर कनेक्टेड है. हम देखते हैं कि इस बैटरी के साथ हम किसी बल्ब का कितने तरह का ओरिएंटेशन कर सकते हैं, मतलब कनेक्शंस किन तरीकों से बल्ब का इस बैटरी के साथ पॉसिबल है. ये एक नॉर्मल एलईडी बल्ब है और इसके भी दो टर्मिनल्स हैं और इसके एक टर्मिनल पे मैंने एक रेसिस्टर वायर लगाया है. ये रेसिस्टर वायर बेसिकली वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि बल्ब में जब ज़्यादा वोल्टेज आती है तो दिस बल्ब मे गेट फ्यूज. इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में एंड दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इसका बेसिक यूज़ फिलहाल यही है. हम देखते हैं कि इसे कनेक्ट कैसे करते हैं. तो पहला कनेक्शन ये है कि बैटरी का दो एंड्स है, मैंने किसी से कनेक्ट नहीं किया है. दूसरे तरीका, मैं बस एक वायर से कनेक्ट करती हूँ, इस केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, और आई मे कनेक्टेड टू द ब्लैक वायर दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, और इस केस में भी मैंने दोनों एंड को कनेक्ट करके चेक किया, इस केस में भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. एक कनेक्शन ये हो सकता है कि मैं बैटरी के दोनों ही एंड को बल्ब के किसी एक एंड से कनेक्ट कर दूं, वन एंड ऑफ द बल्ब, इस केस में ये बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है. मैं इन दोनों को दूसरे एंड से भी कनेक्ट करके चेक करती हूँ, द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग. तो एक कनेक्शन ये बचा है कि मैं बैटरी के एक टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करती हूँ. इसे ध्यान से देखें, इस केस में हम देख पा रहे हैं कि एलईडी बल्ब ग्लो कर रही है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक जब ये कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, इस केस में बल्ब ग्लो कर रही है. हमने देखा था जब हमने बैटरी के दोनों एंड को बल्ब के एक एंड से कनेक्ट किया था तो बल्ब नहीं ग्लो कर रही थी, बट बैटरी के एक एंड को बल्ब के एक टर्मिनल से और बैटरी के दूसरे टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जब कनेक्ट किया जाता है, इन दिस केस द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. तो व्हाट इज दिस ओरिएंटेशन स्पेशली कॉल्ड? दिस इज अ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट. तो हमने देखा, वी हैड टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, और उन्हें हम अलग अलग तरीकों से कनेक्ट करने की कोशिश किए. सिर्फ एक ओरिएंटेशन में बल्ब ग्लो कर रही थी और वो ओरिएंटेशन था, वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी वॉज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब एंड अनदर टर्मिनल वॉज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब. इस केस में करंट फ्लो कर रहा था, बल्ब ग्लो कर रही थी. तो ये ओरिएंटेशन क्या था? दिस वॉज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, एक क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. और ये पाथ पॉसिबल कब हो पाती है? जब कोई ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता हो, इस केस में वायर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहा था. ये एक मेटालिक वायर है, हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी इस वायर के थ्रू, जिस ये वायर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहा था. और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही थी? फ्लो ऑफ करंट जो होता है, करंट फ्लो करती है, वो बैटरी से निकल करके गई थ्रू दिस वायर, बल्ब में गई और वापस से इस बैटरी में आई. इस तरीके से जब करंट का एक पाथ बना तो बल्ब ग्लो की. तो क्या जो इसमें करंट फ्लो कर रही है, क्या वो उसकी कोई डायरेक्शन भी है? यस, ऑब्वियसली
The current flowing in the circuit is directional and current flows from positive terminal to negative terminal. तो बैटरी का जो टर्मिनल है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलता है बल्ब में होते हुए थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसमें आता है और इस पाथ में वो फ्लो करते जाता है कंटिन्यूअसली. हम एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं. इसकी बेसिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं और इसमें किस तरीके से करंट फ्लो करता है, लेट्स टेक अ लुक एट इट. ये सिंपल सा जो ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं, एक क्लोज्ड कनेक्शन बैटरी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि बल्ब ग्लो कर रहा है. इस क्लोज्ड पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. इस पाथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक बैटरी है, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है जिसके पास दो टर्मिनल्स है. दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ब्लैक वायर जा रही है जिसके अंदर से. ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है. ये रेड वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है. और फिर बल्ब के पास भी दो टर्मिनल है जिसे मैंने बैटरी के दोनों ही टर्मिनल से कनेक्ट किया है. एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किया है. ये एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है. इसकी वजह से एक पाथ क्रिएट हुआ. मैंने आपको बताया करंट फ्लो जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डायरेक्शनल होता है. तो मतलब करंट जो है वो डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल. तो करंट यहाँ से फ्लो कर रही होती है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट जो इस सर्किट के अंदर. फ्लो ऑफ करंट इस पाथ में फ्लो कर रहा है जो है ये इधर से आते हुए इधर आ जाती है. इस पाथ में करंट फ्लो करता है जब भी बल्ब ग्लो कर रही है. ठीक, और ठीक नहीं बोलना था. करंट इस पाथ में फ्लो करता है. अब हम देखते हैं इस सर्किट में हम एक छोटा सा कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं. हम देख रहे हैं कि ये सर्किट कंप्लीट हो रही है जब बल्ब ग्लो कर रहा. हम कैसे चेक करें, हम पे डिपेंड करना चाहिए कि सर्किट कब कंप्लीट होगी नहीं होगी. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट करने में काम करता है, जैसे हमने टॉर्च में भी देखा, वो है स्विच. अ स्विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सर्किट को ब्रेक या ओपन कर सकता है. तो हम देखते हैं, हम एक नॉर्मल सा स्विच बनाते हैं खुद से. हम सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं एक स्विच बनाने के लिए. हम बल्ब के एक टर्मिनल को इस सेफ्टी पिन से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे टर्मिनल को. तो सेफ्टी पिन जब हम ये स्विच की तरह काम कर रहा है, सर्किट कंप्लीट है, बल्ब ग्लो कर रहा है. मैंने इस सेफ्टी पिन के हेल्प से जैसे ही इस सर्किट को ब्रेक कर दिया, कोई कनेक्शन नहीं है, सर्किट इज़ इनकम्प्लीट, बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग एज करंट इज नॉट फ्लोइंग. तो मैंने इस सेफ्टी पिन का ही यूज़ क्यों किया इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, क्योंकि वो जो भी स्विच होगा, जो भी मटेरियल होगा, उससे ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है. हमने आपको दिखाया इस वायर के अंदर मेटालिक वायर्स हैं इस कोटिंग के नीचे, और वो मेटालिक कोटिंग्स जो हैं वो करंट को कैरी करती हैं. तो हम देखें क्या हर एक चीज़ करंट को कैरी करती है, इज इट और नॉट. इसे चेक करने के लिए हम कुछ कुछ सामान को लेंगे. सेफ्टी पिन के बारे में तो पता है कि ये करती ही है. ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ों को लेती हूँ, लेट्स चेक अपॉन कि वो करंट कैरी करते हैं या नहीं करते हैं. मेरे पास कुछ सामान है, एक की है, एक चॉक है, पीस ऑफ चॉक, एक रबर बैंड है, सिंपल सा एक पेपर पिन है, एक स्पून है. तो लेट्स चेक अपॉन इन दिस स्पून, पेपर क्लिप, रबर बैंड, चॉक और एक की. इन चीज़ों को हम चेक करते हैं क्या इनके थ्रू करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है. इसके लिए मैं स्पून को यहाँ रखूँगी, बैटरी के एक टर्मिनल को इसे कनेक्ट करूँगी और जो दूसरा टर्मिनल बल्ब से कनेक्ट होकर आ रहा है इसे यहाँ पे कनेक्ट किया. एंड हम क्या देख पा रहे हैं, द बल्ब इज ग्लोइंग इन दिस केस. इसका मतलब द बल्ब इज ग्लोइंग, दिस मीन्स दिस इज स्पून. ये जो स्पून है ये जिस भी मटेरियल का बना है ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है. तो हम दो कॉलम बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है, इसे मैं इस साइड रखूँगी. ये पेपर पिन, लेट मी चेक दिस वेदर इट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. मैंने इसे कनेक्ट किया एंड वी सी द बल्ब इज ग्लोइंग, दैट मीन्स ये जो पेपर पिन है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहा है. इसे मैं
स्पून वाले साइड में ही रखूँगी। नाउ दिस रबर बैंड, इसे चेक करते हैं। आई एम कनेक्टिंग दिस वायर, बोथ दीज वायर्स, बट द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। लेट मी कनेक्ट इट प्रॉपरली। बल्ब द वायर इज द रबर बैंड इज कनेक्टेड थ्रू द वायर्स, सर्किट इज लुकिंग वेरी कंप्लीट, बट द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। दैट मीन्स ये जो रबर बैंड है ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर रहा है। विल कीप इट अनदर कॉलम सेपरेटली। की को चेक करते हैं। द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, मतलब ये की जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो कैरी कर रहा है, तो इसे भी हम एक साइड रखेंगे। नाउ दिस पीस ऑफ चॉक, ये जो पीस ऑफ चॉक है, द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग इन दिस केस, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर रहा है और ये रबर बैंड वाले कॉलम में आएगा। तो वी सी देयर आर बेसिकली टू कॉलम्स, एक सेट ऑफ मटेरियल्स जो हैं जिसमें स्पून है, की है और पेपर क्लिप्स है, और दूसरे में चॉक, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। तो ये सारे मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं, दीज मटेरियल्स आर नॉट कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो द मटेरियल्स विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, इन मटेरियल्स को वी कॉल देम, दीज आर कंडक्टर्स। एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, इन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू flow through them are known as insulators, and the materials which allow electricity to pass through them are known as conductors. और हम देख सकते हैं कि conductors जो भी हैं वो basically metallic devices होते हैं। Generally जितने भी metallic devices होते हैं they are good conductors of electricity और वो allow करते हैं। Insulators को हम layman language में bad conductor भी बोलते हैं और conductors को good conductor भी बोलते हैं। सो ये एक बेसिक सा सर्किट था, एंड वी लर्न अबाउट कि सर्किट में क्या क्या सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से हम हेल्प से स्विच बना सकते हैं और किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द सर्किट। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ज़रूर एक बैटरी, सेट ऑफ वायर्स लाएँ, एक छोटा सा बल्ब और ये रेसिस्टर उसके साथ ले आएँ ताकि आपका बल्ब फ्यूज़ ना हो। ये बेसिक सी चीज़ें लाएँ और इस सर्किट को खुद से बना करके देखें। ये बहुत ही सिंपल है, आप खुद से ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपने आसपास कुछ चीज़ों को कलेक्ट करें एंड चेक करिए कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है या नहीं कर रही है। दैट मीन्स आइडेंटिफाई, खुद से टेस्ट करके वेरीफाई कीजिए व्हाट सब कुछ इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद बिहारी बैक बेंचर्स। विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट थर्सडे विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।